हाउ टू फिक्स Redmi गो कैमरा ब्लर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Xiaomi के डिवाइस पे कैमरा ब्लर प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कई लोग इस तरह का इशू जो है वो फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो किसी ना किसी तरह का सेटिंग करते हैं और सारे साथ यहाँ पर उनका जो कैमरा है वो ब्लर हो जाते हैं और प्रॉब्लम कर जाते हैं। सारे साथ दोस्तों अगर आपका कैमरा लेंस जो है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो उससे भी आपका कैमरा ब्लर हो सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो वो दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो आप मोबाइल से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको जाना होगा किसी भी टेक्नीशियन के पास, अपना जो फ़ोन का लेंस है बैक साइड का उसको चेंज करना होगा, या तो फिर आपके जो लेंस को गार्ड करने के लिए ग्लास दिया जाते हैं तो उसका भी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको साफ़ करके देखिए, तो अपना कैमरा के आगे में जो ग्लास रहते हैं उसको साफ़ करके देखिए, तो उसके बाद आपका ब्लर प्रॉब्लम फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार धूल वगैरह लग जाने की वजह से ऐसा भी होते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो कैमरा है उसके बैक साइड में उसको अच्छे से चेक करना है किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको वहीं पर दिख जाएगा। अगर आपको ये इनसाइट वाले प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है कई लोगों को आते हैं, ठीक है, कि कैमरा ब्लर होना, कैमरा अच्छे से पिक्चर नहीं आना। तो आप जाइए अपने कैमरा के अंदर पे, तो कैमरा पर जाने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो मोड्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर, यहाँ कैमरा सेटिंग पर पूरा नीचे आ जाना है, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा ओके बटन, तो ओके पर क्लिक करना है और सारे सेटिंग्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो कैमरा फ्रेम रेट है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें और यहाँ पर फ़ोटो क्वालिटी वगैरह का सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी है हाई पे सेट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कॉन्ट्रेस्ट, सेचुरेशन, शार्पनेस सब कुछ बस आप ऐसे डिफ़ॉल्ट सेट रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर ओके कीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ़िल्टर दिखाई दे रहा है मेरे लेवन साइड में, जो आप टैप्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उस फ़िल्टर में क्लिक करें और कोई भी फ़िल्टर यहाँ पर सेलेक्ट मत कीजिए, बस नॉर्मल पर ही सेट करके बैक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक कर देना है, चेक करना है ब्लर प्रॉब्लम फिक्स, ठीक है। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैनेज ऐप पर जाइए और कैमरा को और एक बार यहाँ पर रीसेट कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको वेट करना है थोड़ा सा, तो कैमरा पर जाइए, उसके बाद आपको करना है फोर स्टॉप ओके एंड देन क्लियर ऑल डेटा इन ओके। तो उसके बाद ऐप परमिशन पर जाइए, यहाँ पर इन परमिशन को अलाउ कर दीजिए, बस आप मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं, कैमरा ब्लरी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था सॉल्यूशन। और अगर आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, इससे आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको एक डिफ़ॉल्ट और रियल कैमरा वर्जन मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपके जो ये डिवाइस है उसमें इतना ज़्यादा क्वालिटी अच्छा तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल क्वालिटी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना बुरा कैमरा नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पर आपको जो होते हैं 48 मेगापिक्सल, तो इस तरह का क्वालिटी आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। तो कैमरा पर अगर थोड़ा ब्लरी आते हैं तो आपको सबसे पहले तो हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो चेक करना होगा, ठीक है। आप अपने जो कैमरा है उसके पीछे में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कैमरा ब्लर तभी होते हैं जब आपके कैमरा के अंदर पे कुछ धूल वगैरह चले जाते हैं। तो उसको साफ करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के पास ही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।